चलिए हाय दोस्तों, जो कि वेनसडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा यहाँ पे 5 अप्रैल का, तो 5 अप्रैल में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपोर्ट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की जो और वीडियोज आपके लिए लेके आओ। और जिन लोगों ने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं एस्ट्रो टाइम्स वगैरह जो एनालिसिस रहता है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं था, प्रीमियम चैनल ज्वाइन कीजिए। मॉर्निंग में हमने अपडेट दिया था यहाँ पे कॉल या पुट के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद में मार्केट साइडवेज रहा तो यहाँ पे मैंने कोई कॉल अपडेट नहीं किया। लेकिन हमारे जो एस्ट्रो टाइम्स थे, तो जिन लोगों ने पता नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, तो मॉर्निंग का एस्ट्रो टाइम था 10:25, तो 10:25 से मेरा डाउन साइड का मूवमेंट बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद 150 का जो टाइम था, 150 के कैंडल देखो, वो कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन किया था, एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम है। तो इस तरह के एस्ट्रो टाइम्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम का प्रोफाइल है, तो आप टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जाके जो भी अपडेट्स रहते हैं तो वो अपडेट्स मैं आपको देता रहूँ टाइम टू टाइम। अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 17,398 पे, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 40,813 पे, फिन सर्विस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया 18,164 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो निफ्टी के लिए देखेंगे निफ्टी का कौन से लेवल इंपॉर्ट रहेंगे, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडलस्टिक में निफ्टी को लेके जाएंगे, डेली कैंडलस्टिक में निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर डेली कैंडलस्टिक में देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो रहा था, देखो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो रहा था। चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ एक बार, यहाँ पे मेरे स्टडीज वगैरह है तो बहुत ही। चलिए यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे देखो, और इसको जैसे ब्रेक डाउन दिया तो एक अच्छा सा अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाए, कौन सा कैंडल बनाए, हैमर टाइप ऑफ कैंडल। अगर इस हैमर टाइप ऑफ कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है वेनसडे के दिन, तो मेरा वेनसडे थर्सडे के लिए ऑलमोस्ट बुलिश व्यू है फिलहाल के लिए। तो 17,440 17,440 अब वो निकलता है तो एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम देखने को है। टूवर्ड्स यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं 17,571, लेकिन उसके लिए पहले रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 530 का लेवल रहेगा, इसके ऊपर निकलता है तो ऑलमोस्ट ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। उसी हिसाब से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन अगर देखें, सो चलिए यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या हो रहा था यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा बेरिश का चल रहा था। यहाँ से ट्रेंड लाइन आया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, अभी एक अच्छा सा अपसेट का ट्रेंड चल रहा है। अपसेट का ट्रेंड मगर अगर देखें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है, तो एवरी लॉस देखो, एवरी लॉस यहाँ पे अपसाइड के लिए शिफ्ट हो रहे और जो हाई भी अपसाइड के लिए शिफ्ट हो रहे। तो वेनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 17,330 यहाँ पे कोई सपोर्ट लेते तो बाइंग के लिए चांस रहेगा, और अगर यहाँ पे हाई के ऊपर निकलता है जो कि 17,430 तो इसके ऊपर एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। तो मेरा जो व्यू है ऑलमोस्ट वेनेसडे के लिए तो बाय ऑन डिप मार्केट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर देखे तो अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ 17,500 का रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे की तरफ 17,300 का सपोर्ट रहेगा, और 430 के अबव निकलता है, इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। चलिए उस तरह से ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें तो सेंसिबल का अपन यहाँ पे प्रेफरेबल अभी कर रहे हैं, क्योंकि जो एनएसए का ओल्ड साइट था वहाँ पे अच्छा से देखने को मिल रहा है, लेकिन ओल्ड साइट यहाँ पे बंद हो चुका है, तो इसकी वजह से अपन यहाँ पे एनएसए का साइड नहीं देख रहे, तो यहाँ पे अपन सेंसिबल का देखेंगे। 17,400 जो हर्डल लेवल है, यहाँ पे 70 लाख कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 44,000 पुट राइटर देखने को, तो 17,400 के अबाउट सस्टेन करता है और यहाँ पे कॉल राइटर माइनस हो जाते हैं तो एक बड़ा मोमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन 17,300 के लेवल पे अच्छा सा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रॉगेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो डाउन साइड के लिए 17,300 का स्ट्रॉगेस्ट सपोर्ट रहेगा, बाय एंड डिप जा सकते हैं। 17,400 के अबाउट सस्टेन करते हैं तब एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। चलिए उस हिसाब से बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी डेली कैंडलस्टिक में क्या देखने को मिल रहा है, कौन से लेवल इंपोर्ट रहेंगे। बैंक निफ्टी देखिए इंटरेस्टिंग स्टेज पे, क्या इंटरेस्टिंग स्टेज पे, क्योंकि पिछला वाला एक रेजिस्टेंस है वही पे जो 40,800 इसके नियर बाय क्लोजिंग करता देखने को मिल रहा है। वेनसडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कुछ बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है, तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हायर लो रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप सी मार्केट मेरे हिसाब से मिले, और इसी रेंज में ओपन होकर ब्रेक करते हैं तो टूवर्ड्स द टारगेट पे गैप फिल करने के लिए 41,300 के लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 400 to 500 पॉइंट्स का एक रैली अपन को यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 50 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो प्राइस एक्शन क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक्युमुलेशन जोन इसको ब्रेक कर दिया, और अभी जो हायर हाई बन रहे देखो, हायर हाई बन रहे, और जो भी सपोर्ट है तो सपोर्ट यहाँ पे अपसाइड के लिए सब शिफ्ट होता देखने को मिल रहा है। तो एवरी सपोर्ट यहाँ पे जो भी 40,700 40,500 जो कि आज का लेवल मैंने दिया था 40,530, तो 530 के नियर बाय किस तरह से सपोर्ट लिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने
टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, तो जिन लोगों ने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर जाए। बैंक निफ्टी मैंने की लेवल दिए थे जो कि 40,530, और जो कि निफ्टी का भी दिया था कि 17,380, और 17,380 के आप देख सकते किस तरह का शॉर्ट कवरिंग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, वही पे मॉर्निंग में रिजेक्शन लिया था। और बैंक निफ्टी के लिए 40,530 यहाँ पे सपोर्ट लेकर अच्छा सा मोमेंटम बैंक निफ्टी ने किया। तो इस तरह के अपडेट्स और इस तरह के लेवल्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अभी मैं फिलहाल के लिए बोला कि 40,800, देखो 40,000 जो 800 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ 40,950 का रेजिस्टेंस रहेगा और 41,000 का राउंड फिगर नंबर है। जब 41,050 देखो 41,050 जो कि यहाँ पे आ रहा है, तो 40,050 क्या वो सस्टेन करता है तो टूवर्ड्स द 41,200 एंड 41,400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें जो गैप फिल ए रहा है तो ऑलमोस्ट कहाँ पे आ रहा है वो गैप फिल कर रहा है, तो यहाँ पे 41,220, तो 41,200 के लेवल तो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, गैप फिल करने आ सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी के कंपेरेटिव यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी आ जाएगा तो निफ्टी भी स्लो एंड स्टडी यहाँ पे मोमेंटम करता है अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, तो 40,530 का सपोर्ट रहेगा, 40,800 का रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ 40,950 का रेजिस्टेंस रहेगा और की लेवल जो मैंने बताया जो कि 41,050, 41,050 के अबव सस्टेन करेगा तो एक बढ़िया ही मोमेंटम 41,200 तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 41,050 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से कहाँ पे ओआई ज्यादा देखने को मिल रहा है देखेंगे। 40,800 के लेवल पे 19 लाख कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, 15 लाख पुट राइटर, ऑलमोस्ट पुट राइटर बढ़ते जा रहे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे चेंज इन ओएमए 520% यहाँ पे पुट राइटर्स ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए फिलहाल के लिए हो सकते हैं, इसके ऊपर असिस्टेंट करते हैं तो बढ़िया मोमेंटम होगा। 41,000 के लेवल पे 22 लाख कॉल राइटर है लेकिन पुट राइटर बहुत कम है, तो ये रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। और जैसे मैंने कहा कि 41,050 इसके अबव सस्टेन करते हैं तब एक अपसाइड का मोमेंटम टूवर्ड्स 41,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ 40,600 का जो लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट जो भी डिप लेगा बैंक निफ्टी तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिला बैंक निफ्टी में। चलिए उस हिसाब से फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी फिर ऐसा अपसाइड का पैटर्न बना जो कि बैंक निफ्टी बना है, ऊपर की तरफ 18,244 का इसका गैप फिल एरिया है। अभी इसके लिए क्या सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 18,040 और 18,100 के 120 एक सपोर्ट रहेगा। देखो 18,120 का सपोर्ट रहेगा, 18,080 का सपोर्ट रहेगा, इस दोनों सपोर्ट पे कहाँ पे भी सस्टेन कर देता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 18,200 को निकालेगा तो नॉन स्टॉप यहाँ पे 18,300 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ जो पिछला वाला गैप है देखो, पिछला वाला गैप है, गैप भी फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,240-250 तक जाता हुआ देखने को रहा, लेकिन यहाँ पे 18,120-80 के यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी फिन निफ्टी में रहेगा। तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लेवल्स आपको बताते हैं किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट वगैरह रहेंगे। और मैं यहाँ पे जो अभी एनएससी का नया साइड आया है तो इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन है, कहाँ पे किस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे अबाउट्स में क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट डेटा में क्या देखने को मिल रहा है, ये सब का वीडियो आपको मैं बना के दे दूंगा। ताकि जो पिछला वाला जो साइट था तो इको फ्रेंडली था, ये साइट बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे एनालिसिस करके वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे एनएससी के साइड किस तरह से एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आपको व्यू मैंने बताया था 5th अप्रैल का वीडियो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।